हेलो लर्नर्स। तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो है एनआईएस सेकेंडरी स्नेक बाइट चैप्टर 1। हम लोग इसमें मुख्य पात्रों की जब बात करते हैं तो यहाँ नरेटर है राजा। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा करता था और जो उसके साथ घटनाएं घटी हैं और जो सुपरस्टिशन उसने बचपन में देखा, इसी के बारे में पूरी स्टोरी हम लोग नरेट करते हैं। इसमें एक ओल्ड ग्रे हेयर मैन है जो स्नेक पॉइजन का क्योर जानता था, ऑडियंस और किस तरह से ग्रैंड पेरेंट्स को गलतफहमी होती है इसके बारे में स्टोरी पूरा नरेट किया गया है। सेक्शन 1 में हम देखते हैं कि वन डे राजा अपने कंपाउंड में खेल रहा होता है तब तो वो देखता है कि उसके ठीक सामने में ही एक स्नेक क्रॉलिंग करते हुए, क्रॉलिंग मतलब होता है रेंगना, रेंगते हुए जा रहा था और वो बचते बचाते ही जा रहा था। राजा की नजर उस पर पड़ते ही वो क्या करता है, अपने आप को एक कोकोनट सेल के अंदर छुप जाता है। राजा क्या करता है, धीरे से उसके सामने पहुंचता है और माउथ ऑफ द कोकोनट सेल का एक स्टोन से, छोटे पत्थर से, उस कोकोनट सेल को बंद कर देता है। उसके बाद उसे लेकर वो पहुंचता है ग्रैंड मदर के पास और बहुत ही खुशी से, एकदम एक्साइटमेंट से बोलता है, ग्रैंड मदर आई क्राइड, आई हैव कॉट अ स्नेक। मैंने देखो क्या लाया है, मैंने क्या पकड़ा है, मैंने एक स्नेक को पकड़ा है। स्नेक का नाम सुनते ही उनके अलार्म छुट गए, उनके होश उड़ गए कि स्नेक पकड़ लाया, वो जहरीला होता है। सी वाज शॉक्ड, सी क्राइड फॉर हेल्प। जैसे वो हेल्प करके चिल्लाती है, ग्रैंडफादर बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि उसके हाथ में वो है, जैसे समझ में आता है उनको कि क्या हुआ है घटना, वो उसके हाथ से छीन लेते हैं, छीनकर कोकोनट सेल को दूर फेंक देते हैं। दूर फेंकते ही स्नेक उसमें से बाहर आ जाता है, पत्थर निकल जाता है, वो बाहर आ जाता है और क्लोट करते हुए बुशेस के पीछे गार्डन में छुप जाता है, चला जाता है उस तरफ। ग्रैंडफादर उसे वॉर्न करते हैं। पहली वार्निंग क्या होती है, किसी भी स्नेक के पास मत जाओ, क्योंकि बिकॉज स्नेक्स आर वेरी डेंजरस, स्नेक्स बहुत खतरनाक होते हैं, पॉइजनस होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद संध्या का समय, लेटर इन द इवनिंग, वो क्या कर रहा था, बी को कैच करने की कोशिश कर रहा था। बी को जैसे कैच करने की कोशिश करता है, बी क्या करता है, उसे फिंगर पे डंक मार देता है। उसे एक शार्प पेन, एक बहुत ही तेज गति का दर्द होने लगता है। वो फिर से ग्रैंड मदर के पास जाता है। ग्रैंड मदर देखती है कि वो रो रहा है। वो बोलता है कि मेरे दर्द को कम करने के लिए आप कुछ उपचार करिए। ग्रैंड मदर को समझ में आता है कि इसने फिर से सांप को पकड़ा होगा और सांप ने इस बार इसको काट ही लिया। कम एंड सी व्हाट हैपेंड टू राजा, ग्रैंड मदर को फिर ग्रैंडफादर को बुलाती है। ग्रैंडफादर बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि एक ब्लू मार्क का निशान जो है, क्योंकि डंक जहां हुआ था वहां एक ब्लू मार्क का निशान दिख रहा था, जबकि सांप काटने से दो होना चाहिए, वहां पर एक दिखाई दे रहा था। फिर भी उनको लगता है कि नहीं, इसने फिर से सांप को पकड़ा ही होगा, इसी के लिए ये हुआ है उसके साथ। तो एक मिनट भी बिना रुके वो उसे अपने हाथों में उठाते हैं, आर्म्स में, अपने गोदी में उठाते हैं और दौड़ लगाते हैं खेतों के बीच से, पैडी फील्ड के बीच से होते हुए उस पहुंचते हैं एक छोटे से घर के पास में जो उसके घर से थोड़ी दूरी पे था। वो शाउटेड फॉर अ मैन ही लिव्ड हियर, उनको चिल्लाते हैं जो उस घर में रहता है। एक बूढ़ा सा व्यक्ति बाहर आता है और उन लोगों को सबको अंदर आने के लिए कहता है। अब एक वाटर ब्रास वेसल में लेकर आता है और दोनों को बोलता है सामने बैठे रहो और चुपचाप बैठे रहो, और उसके बाद वो रिसाइटिंग करता है, कुछ मंत्रा को पढ़ने लगता है।